हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तुम सभी लोगों को। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज के वीडियो के अंदर कुछ अलग किया जाए। तो अगर तुमको नहीं पता तो मेरा दिमाग कुछ ऐसा है, जब भी मुझे कुछ नहीं करना होता मैं आलसी की तरह पड़ा हुआ होता हूँ, तब मेरे को दुनिया भर के आइडियाज आ जाते हैं दिमाग के अंदर। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग में आएंगे घुटनों में थोड़ी आने वाले। वापिस से टॉपिक पे आते हैं, तो जब मेरे को कुछ नहीं करना होता तब मेरे को बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन फिर मैं जब कुछ करने बैठता हूँ तब मेरे को समझ में नहीं आता मैं पहले क्या करूँ, क्योंकि इतने सारे आइडियाज आ रखे हैं। तो मैंने सोचा आओ एक शॉर्ट मूवी बना लेते हैं, डिस्कॉर्ड पे बंदे भी है सबको बुला लेंगे, उधर जंगे लड़वा के हम लोग झंडे फिरा देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा टाइम देख लेता हूँ, ज्यादा नहीं बस रात के नहीं आधी रात के 2 बजे थे उस टाइम पे। यही दिक्कत है यार मेरे अंदर, इतने सारे आइडियाज आते हैं मेरे को, लेकिन दिक्कत ये है साले मेरे को करने का टाइम ही नहीं मिलता है। गाइस मुझे तुम लोगों की बहुत जरूरत है, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो प्लीज। तो वैसे तो बहुत सारे आइडियाज थे लेकिन मैंने एक आइडिया को चूज किया। अगर तुमको नहीं पता तो स्टैंड ऑफ मैप के अंदर एक स्टैचू है बी फ्लैग के बिल्कुल सामने, तो मैं उसको हटा के वहाँ पर गांधी जी का पुतला बना देता हूँ, लेकिन आजादी के लिए बहुत सारे लोग लड़े थे तो मैंने उस वाले आइडिया को हटा दिया। फिर एक और आइडिया था जो कि था किसी भी गन के ऊपर इंडिया की थीम की स्किन बना देना, लेकिन मेरे को पिकअप करनी थी एक ऐसी गन जो भाई सबने यूज की हो और वो लोग उस गन को अभी भी यूज कर रहे हो। तो एक गन आती है जिसका नाम है DLQ। अब ये मत बोलना तुमने यूज नहीं करी है, ट्यूटोरियल तुम्हारे भूत ने नहीं पूरा किया था, तुमने ही किया था। उधर तुमको DLQ से 2-3 बंदे मारने पड़ रहे थे, वो तुमने मारे ही होंगे। उसके बाद जब मैंने सर्वे करके देखा कि स्नाइपर के अंदर कौन सी ऐसी स्किन है जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, तो वो थी DLQ हॉलीडे जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ। तो फिर मैंने इसी को पिकअप कर लिया। तो चलो बनाते हैं इसके ऊपर इंडिया की एक स्किन। सबसे पहले जो गन होती है उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है उसका एक बैकग्राउंड, फिर अपने DLQ हॉलीडे की स्किन। अब यहाँ मैंने सबसे पहले गन को अच्छे से देखा कि मैं कहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ। तो गन की डिजाइन की स्टार्टिंग में करता हूँ स्कोप से, और फिर उसको सेम टू सेम स्कोप की जो डिजाइन होती है उससे मिला के कट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उसको लेके थोड़ा बहुत एडिट कर लेता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा लगे और मैच भी हो जाए स्कोप के साथ। तो फिर हमारी गन की स्किन के ऊपर हम स्टिकर भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे यूज करता हूँ, लेकिन फिर मैं इसको हटा दूंगा। लेकिन हटाने से पहले मैंने इसको 2 और जगह पे ऐड कर दिया, एक स्टॉक पे और एक बैरल पे। अब इसको यहाँ पे सेट करने के बाद मैं मैक के ऊपर इसको ऐड कर देता हूँ ताकि अब बहुत ही बढ़िया दिखे। गन की जो डिजाइन है थोड़ी थोड़ी अच्छी दिखनी चालू हो चुकी है। उसके बाद मेरे को नहीं पता क्यों लेकिन मैं आगे के साइड एक शेर को ऐड कर देता हूँ और फिर उसको थोड़ा अच्छे से सेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो इंडिया के फ्लैग के कलर्स है उसका एक बॉक्स बना देता हूँ जिससे भाई गन के ऊपर हम लगा सके स्किन को। उसके बाद मैं उसको अच्छे से सेट कर देता हूँ और फिर बहुत ज्यादा एडिटिंग करते करते मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। बूम, हमारी गन बन चुकी है। और जो बाकी है थोड़ा बहुत फिनिशिंग, तो फिर वही थोड़ा बहुत फाइनल टेक्सचर मार देता हूँ जिससे गन बहुत बढ़िया दिखे। और पूरी गन को मार देता हूँ, मतलब स्कोप को भी लेने पड़ेगा। आगे का जो सेव मैं हटा दूंगा, मुझे टेक्सचरिंग के अंदर इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी अभी इतना ही ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर पे जो की होने वाली है इंस्टाग्राम के लिए। तो सबसे पहले मेरे को ये टेक्सचर बहुत बढ़िया लगता है तो मैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद क्वालिटी उमल की सबसे फेमस स्किन, उसके हाथ में हम लोग गन की जगह झंडा पकड़ा देंगे और गन को इरेज कर देंगे, फिर थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे। उसके बाद में इस वाले बैकग्राउंड को हटा के ये वाला बैकग्राउंड को डाल देता हूँ। फिर मैं कुछ और चीजें ऐड करता हूँ जो अच्छी तरह से मैच नहीं होती तो उनको भी हटा देता हूँ। फिर बाद में थोड़े बहुत इफेक्ट को ऐड करता हूँ और उनको एडजस्ट करता हूँ। उसके बाद थोड़ा और इफेक्ट को ऐड करता हूँ ताकि और भी अच्छा लगे, और जो टेक्स्ट होता है उनको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा और टेक्स्चर ऐड करने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसके पिक्सल बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, जिससे जब तुम उसको सेव करोगे तो उसके पिक्सल फट जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखने वाला है। बाकी कैरेक्टर के बिना भी बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो के नीचे तुमको कमेंट सेक्शन नाम का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे जाके कमेंट किया करो वीडियो कैसा लगता है। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी गन की स्किन के लिए चीजें यूज की है मैं उन चीजों को बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, ये बस मेरी एक सोच थी जो कि मैंने लगाई और एक वीडियो बनाया। और इस वीडियो का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो चिल मारो और वीडियो को एंजॉय मारो। गन की स्किन का और इंडिया के झंडे का रियल लाइफ के अंदर कोई लेना देना नहीं है। बस आज के वीडियो के लिए इतना था, मैं तुमको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।